make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर ऐसे सवाल पूछ देता है तो आप जानते हैं पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5×9, यही ना होता है जी, 5×9। इसका एलसीएम निकाल लेना, 6×12, 2×8, 16, 2×9, 18, 12×2, 24, 16×2, 32, 2 से फिर 2×3, 6×2, 4×8, 2×6, 12, 2×8, 16, अभी 2 से भी कटे वाला बात, 3×2, 4, 9×2, 6×2, 4×8, और किसी से अब है, हाँ 2 से अभी भी है, 3×2, 1×2, 9, 3×2, 4, अब किससे, 3 से, 3×3, 1, 3×3, 9, 3×3, 2, अब गुना कर दीजिए, 2×2, 4, 4×2, 8, 8×2, 16, 16×3, 48, 48×2, 96, 96 में 3 से गुना कीजिए, 6×3, 18, 18 में लगल 1, और 9×3, 27, 1, 28, ना हमारा हो गया 288। अब इस 288 में इसमें आपको भाग करना है, किस में, ये जो पांच अंकों की बड़ी संख्या है, 3 मतलब है, 8×3, 24 के 4 हाथ में लागल 2, 8×3, 24 और 2×26 के 6 हाथ में लागल 2, और 3×2, 6×2, 8, 9 में से 4 गई 5, 9 में से 6 गई 3, और 9 में से 8 गई 1, ऊपर से उतरल 9, 4×32 के 2 हाथ में लागल 3, 8×32 और 3, 35 के 5 हाथ में लागल 3, और 4×2, 8 और 3, 11, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गई 2, कट गया, ऊपर से उतरा 9, मतलब है तो 856 के 6 हाथ में लागल 5, 856 आ 561 के 1 हाथ में लागल 6, 7×2, 14, 6, 20, 9 में से 6 गई 3, 9 में से 6 गई 3, आ 7 में से 1 गई 6, यानी 63 इसका शेष आया। अब ये जो 63 जो शेष आया है, ठीक है, इस 63 को क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, क्योंकि ये जो पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही ना है 5×9, जो कि कह रहे 12, 16, 18, 24, 32 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, तो ये नहीं कटेगा ना, 12 से नहीं कटेगा, तो जो ये शेषफल आया है अब तुम इसमें से घटा दोगे तो कटना चालू हो जाएगा 63, यानी 9 में से 3 गई 6, और 9 में से 6 गई 3, 9, 9, 9, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ये सबसे क्या है, भाग जाकर घर पर लगा कर देख लेना, ये पूर्णतया क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, लगा कर देख लीजिए आप, अगर नहीं जानते तो देखिए कि मैं एक चेक कर देता हूँ, 9, 9, 9, 3, 6 है तो 12×8, 96, 9 में से 6 गई 3, कट गई ऊपर से उतरल 9, 12×3, 9 में से 6 गई 3, आ है उतर गई लख, अब उतरल है तो 12×2, 24, 13 में से 4 गई 9, कट गई ऊपर से उतरल 6, 12×8 पूर्णतया विभक्त हो गया, सब से भाग दीजिएगा सब से कट जाएगा वो, अब ये वाला जो संख्या है ये सारा से भाग दीजिए, देखिए आप कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, ठीक है।